नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने ब्रेड आमलेट कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा। एकदम शाकाहारी रहेगा, बेसन से बनेगा, बिल्कुल आमलेट की तरह इसका स्वाद रहेगा। 90% इसमें आमलेट की तरह स्वाद लगेगा। जो मांस मछली नहीं खाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। शुरुआत करते हैं इसके सामग्री से। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैदे की ज़रूरत पड़ेगा। आधी कटोरी मैदा ले लीजिए, उतना ही जितना मैदा लेंगे उतने ही आप बेसन ले लीजिए। कटी हुई प्याज, मर्चा, धनिया की पत्ती, मनचाहा नमक। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें दो आइटम और चाहिए, एक बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मीठा सोडा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मीठा सोडा आप इसमें पूरा डाल दीजिए, बेसन आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद उतनी जितना आप मैदा लिए हैं मैदा डाल दीजिए। मैदा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो होता है 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा 1 चम्मच के हिसाब से डाल लीजिए चाहे तो, है ना। बस हाँ, इतना डाल दीजिए। अब फिर थोड़ा सा इसमें मीठा सोडे की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक चुटकी भर आपको मीठा सोडा डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस, है ना। इतना डाल दिए, इसमें मनचाहा नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक। ठीक है ना। और इसमें फिर उसके बाद प्याज और धनिया की पत्ती और मर्चा, धनिया की पत्ती और ये प्याज जो कटी हुई प्याज है आपका, और धनिया की पत्ती और मर्चा इसमें पूरा मिक्सचर कर लीजिए। और इसमें थोड़ा सा हाँ पानी डाल दीजिए, पानी डाल के अच्छी तरह दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिलाना है। जितना अच्छा ये मिला रहेगा, इसमें ध्यान रहे कि इसमें रोले टाइप करना पड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे मिलाइए, बहुत ही अच्छी तरह से इसी तरह मिक्सर कर लीजिए। आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने में अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए, बस मिला के अच्छी तरह से आप इसे फेंटते रहिए। अच्छी तरह से फेंटने के बाद आप इसे दो प्रकार के बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ब्रेड तरीके से बना सकते हैं और जिस तरह आमलेट होता है उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप गैस ऑन कीजिए। गैस ऑन करके इसमें तवा रखिए। तवा में थोड़ा सा आप तेल डालिए, तवा गर्म पर इसमें थोड़ा तेल डालिए। हाँ, तेल ऐसे डालिए कि उसमें चारों तरफ फैल जाए अच्छी तरह से, है ना। उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, अच्छी तरह से फैला लीजिए, है ना। जो घोल बनाए हैं तो उसमें आप डालिए, है ना। हाँ डालिए, इसे इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए, है ना, चारों तरफ अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से फैला लीजिए। इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छी तरह से इसे आप फैलाने के बाद इसे अच्छा सा गर्म हो जाएगा। जब सिज जाएगा तो आप इसे धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आपको निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे सीजने दीजिए इसी तरह के। आपको जब ये सीज जाएगा तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हाँ इस तरह पलटा देना है। अगर सादा बनाना है आपको तो इसी तरह, फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए और भी अच्छा तो इसमें आप थोड़ा सा एक ब्रेड लगाइए। हाँ ये ब्रेड है, एक ब्रेड इसमें हाँ इस तरह आप रख दीजिए। अब फिर चारों तरफ से इसमें सेकने के बाद अच्छे तरह से हाँ इस तरह का आप थोड़ा देर अच्छी तरह से हाँ इसी तरह आप इसे सेकते रहिए। सेकते सेकते ये लाल हो जाएगा, है ना, अच्छी तरह से सिज जाएगा। देखने में एकदम आमलेट की तरह आपको लगेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बना के दोस्तों खिलाए, घर में खिलाएं, बहुत ही जानदार स्वाद रहेगा। मेरे ख्याल से 90% या 95% इसमें अंडे के स्वाद रहेगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे निकाल के आप इसी तरह अपने दोस्तों को, घर वालों को बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।